और सुना यहाँ नरेंद्र मोदी जी भी आए थे? नरेंद्र मोदी आए, सब लोग आए हैं। अच्छा, ओके। तो गाइज, अभी मैं वो बनारस में, और अभी हम लोग आए पप्पू टी स्टॉल पर, जो कि पूरे बनारस का सबसे फेमस जो है वो चाय की दुकान है। और ये वही दुकान है जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने भी चाय पी थी। तो आप लोग ने दूध की चाय बहुत पी होगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ हाजमोले वाली चाय। तो आइए दिखाते हैं। तो भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज है। अच्छा, और कितनी पुरानी दुकान है ये? 80 साल पुरानी। 80 साल। और सुना है यहाँ नरेंद्र मोदी जी भी आए थे? नरेंद्र मोदी आए, सब लोग आए हैं। अच्छा, प्रियंका भी आई है। क्या बात है, सारे लोग, सारे नेता बैठे। ऐसा क्या डालते हैं चाय में कि लोग इतना पसंद करते हैं? मोहब्बत है, चाय की दुकान है बहुत। हाँ, अच्छा, आप क्या हाजमोले वाली चाय मिलती है? सुना है हाजमोले वाली चाय बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी केटल में ये पानी गर्म हो रहा है ना? ये पानी गर्म है। अच्छा, दोनों तरह की रहती है आपके पास, दूध वाली भी और हाजमोले वाली भी? कॉफी सब देते हैं। अच्छा, तीन आइटम रहता है टोटल। ये हाजमोले वाली चाय का कॉन्सेप्ट कैसे आया आपको, आइडिया कैसे आया इसका? ये हम लोग बहुत है, जब शीशी में हाजमोला आता था तब से हम लोग बना रहे। अच्छा, जब से हाजमोला शुरू हुआ था। एक तो आपका है, ये आप बना रहे हैं आपका। तो अभी सबसे पहले भैया जो है वो गर्म पानी से ग्लास को धोएंगे, इससे ताकि मतलब अच्छे से ग्लास साफ हो जाए ना। ये अदरक है? उसके बाद आ गई अपनी, ये क्या पुदीना डालने है ना? अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, इसको कूट के डालेंगे। अच्छा, फूट चुके हैं। इसके बाद इसमें जा रहा है नींबू। ये छन्नी में क्या चाय की पत्ती है? अभी इसके बाद इसमें मेन आइटम हाजमोला जाएगा। अब
रोड पर